हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंजर गेम्स। और आज हम करने वाले हैं कार टेस्ट, वो भी GTA 4 में, मतलब कोप सर्वाइवल टेस्ट, कि इतने स्टार्ट तक गाड़ी जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। अब आप सब लोग तो सोचोगे कि भाई GTA 5 है तो GTA 4 क्यों, क्योंकि GTA 4 के जो कार के ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, डैमेज भी बहुत ही अच्छा होता है। GTA 5 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर डैमेज है इसमें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी जो डैमेज है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे लगा GTA 4 अच्छी रहेगी इसके लिए। तो GTA 4 में हम कार टेस्ट कर रहे हैं अभी, कि कितने स्टार तक कार सर्वाइव कर पाती है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो अभी हमने एक स्टार कर लिया, लेकिन हम 2 स्टार पर जाएंगे। इस बेचारे को 2 गाड़ियों के बीच में कुचल दिया हमने, और स्टार 2 चलेगा, क्योंकि 1 स्टार तो इजीली कोई भी सर्वाइव कर जाता है। तो इसमें स्टार का सिस्टम कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप मैप में रेड सर्कल देख रहे हैं, वो 2 स्टार का एरिया है, हमें उसके बाहर जाना है, और वो भी बिना किसी पुलिस वाले को दिखे, क्योंकि अगर हमको पुलिस वाले ने देख लिया तो ये सर्कल के सेंटर में हम फिर से आ जाएंगे, यानी कि हमको फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा ही सिस्टम है, GTA 4 में बहुत ही अजीब है मैं जानता हूँ, लेकिन यही सिस्टम है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टार हो जाते हैं तो सर्वाइवल मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर 6 स्टार हो गए तो आप एरिया से बाहर जाते जाते पुलिस वाले देख ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैं एंड पर आ चुका हूँ सर्कल के, तो अभी मैं ये एस्केप कर सकता हूँ, मतलब ये 2 स्टार सर्वाइव कर जाती है ये गाड़ी। अब हम जाएंगे स्टार 3 पे, तो हमने एक और स्टार बढ़ाने का पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पर हम 3 स्टार हो गए, और आप देख सकते हैं कि एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है अब तो। अब सर्वाइव करना थोड़ा सा हार्ड है, अभी से गाड़ी के रियल एग्जाम जो है वो शुरू हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है हमारी कार को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अरे 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 अरे, अरे, अरे आ, क्या बचे यार, देखा तुमने, 2 गाड़ियों के बीच में ऐसे ऐसे करके निकले हम भाई, बड़ी मुश्किल से निकले हैं सच कहूँ तो। लेकिन कोई बात नहीं, GTA 4 में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्राइवर हूँ, अभी थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस करी है इस गेम की ड्राइविंग की। वैसे GTA 4 का ड्राइविंग अब तक की सारी GTA गेम में सबसे हार्ड है। अगर आप कोई मोड यूज़ नहीं करते हो तो इसकी गाड़ी का जो हैंडल है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। देख आप इस गाड़ी की ना हैवीनेस, ओह शिट यार, बहुत ही बुरी तरह से ठुकी है गाड़ी। इसकी गाड़ी की जो हैवीनेस है वो फील होती है इसमें। तो गाड़ी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है GTA 4 में बाकी सारी GTA गेम से, क्योंकि इसका ड्राइविंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, और इसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो GTA 4 में बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पूरी ड्रैग करी हमने गाड़ी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचे। अभी 3 स्टार ही चल रहे, और हमारी जो एरिया, अरे यार भाई धुआं निकलना स्टार्ट भी हो गया गाड़ी का। नहीं 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 यार, देखो कितने 3 स्टार पे ही पूरी हमें पुलिस वालों ने बैंड बजानी शुरू कर दी है। तो 3 स्टार से आगे बढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इस गाड़ी में। मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी 3 स्टार सर्वाइव कर पाएगी। ओह शिट, ये क्या है भाई, ये क्या था, उस बंदे को हमने कुचला, उस बंदे ने हमारी पूरी गाड़ी ही उठा डाली। बहुत ही भयानक मंजर था यार। और ये देखो भाई, हेलीकॉप्टर भी आ गए हमारी गाड़ी के, तो मतलब चारों ओर से धुआं निकल रहा है गाड़ी में, मतलब एक ही ओर से निकलता है, मतलब गाड़ी की चारों ओर से बैंड बज चुकी है। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा पीछे होकर जंप मारना चाहिए, मुझे डर है कि गाड़ी की स्पीड इतनी कम ना हो कि फिर हम जंप ही ना कर पाए परफेक्टली, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा जंप आने वाला है। तो मैंने पूरी तैयारी करके गाड़ी पीछे करी है, और हम ये जंप करने के लिए अब हम तैयार है। जल्दी 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 जल्दी, ये ओह शिट भाई, आग लग गई गाड़ी में, गाड़ी की तो बज गई है कुंगी। निकल जा बस, ये जंप करवा दे अभी हम, मुझे लगता है गाड़ी में से निकलना पड़ेगा, गाड़ी में से निकल जाते वरना गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। शिट, नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड यार, देखा तुम लोगों ने क्या एंड पे हमने जंप मारी। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते तो हम नीचे पानी में गिर सकते थे, और अगर पहले जंप मार देते तो गाड़ी के नीचे कुचल सकते थे, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर। लेकिन हमारे पास और कोई, ओह शिट, मैं कूदना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है और कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, तो ये जंप लेना ज़रूरी हो गया था, तो हमने जंप कर दिया। अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारी गाड़ी ने भी साथ छोड़ दिया, और पुलिस वाले जो है वो हाथ पैर मुंह सब धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और ये एस्केप काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। वैसे कमिश्नर हमारा फ्रेंड है, उसको मैं फ़ोन लगाने वाला हूँ, लेकिन उसको फ़ोन लगाने तक ज़िंदा बचूँगा तो लगा पाऊँगा ना गाइस। यहाँ पर तो मतलब मेरे पास कोई लाइफ जैकेट भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। अरे यार फ़ोन भी नहीं लगाने देते यार, क्या मतलब, क्या कितना इरिटेट करते हैं ये लोग हमें। यहीं से ट्राई कर लेते हैं अभी, लग चल। अबे अरे यार, ये हेलीकॉप्टर, कोई नहीं, यहीं से ट्राई करते हैं, यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं। नंबर लग जा। अरे
अरे पूरी फोर्स खड़ी कर दी है कि इन लोगों ने एक नंबर नहीं लगाने देते। अबे तू इधर की इधर भाग रहा है भाई, पीछे भाग ले, फोर्स में जाके नाचेगा क्या कि हम दूसरा और जंप लगाएंगे पानी में और नीचे 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 नीचे, मुझे नहीं लगता बच पाएंगे हम। अभी हमारी हेल्थ इतनी कम है कि थोड़ी सी बुलेट और लग गई ना तो। एक मिनट, मुझे एक जगह लिखी है, ये वाली सबसे सेफ जगह है, यहाँ पे मैं कमिश्नर का फ़ोन लगा सकता हूँ, माफ़ी मांग लूँगा यार, और क्या। तो अभी हम लगाएंगे उसको कॉल और बोलेंगे सॉरी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी हेल्थ ज़्यादा बढ़ा देना चाहूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कि कहीं से भी गोली नहीं आएगी। वैसे हम सबसे सेफ जगह पर है अभी, लेकिन यहाँ पर से स्टार नहीं हटने वाले, मुझे उसको कॉल करना ही पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा हेलो सॉरी और ऐसा बोल के काट दूँगा और फिर हमारे स्टार गायब हो जाएंगे, क्योंकि जितनी फल में यही सिस्टम चलता है, बहुत ईजी है ना, हालांकि नंबर बहुत बड़ा है डायल करने का, लेकिन कोई नहीं चलता है। तो अभी हमारे स्टार चले गए हैं, लेकिन जो चीज़ हम करने आए थे उसका रिजल्ट तो देख लेते हैं कि गाड़ी का सर्वाइव रेट क्या हुआ। कुछ नहीं गाइस, सिर्फ 2 स्टार, क्योंकि 3 स्टार में तो हम लगभग मरते मरते बचे हैं, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से ये हमने सर्वाइव किया। तो हाँ, वो गाड़ी बहुत ही बेकार थी, उसका रेट सिर्फ 2 स्टार तक ही था, उसकी रेटिंग की तो बात ही मत करो। वो गाड़ी के अभी भी मिले तो GTA 4 में इस्तेमाल मत करना, खासकर पुलिस के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस बस आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, क्योंकि गाड़ी का सर्वाइव टेस्ट जो कि बहुत ही कम हुआ, मेरे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना कम ही में ही ख़त्म हो जाएगा। अगली बार कोई अच्छी गाड़ी लाऊंगा, डोंट वरी, ये गाड़ी तो बिल्कुल नहीं आएगी अब के अपने वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ गुड डे गाइज़।